Hello friends, welcome to the Easy Zone. Today discussing about 16th of March 2020 the Hindu News Analysis. Okay, let's start. यहाँ पे जो पहला न्यूज़ दिया गया है COVID-19 का. First we explain what is the COVID-19. The COVID-19 is, remember that the COVID-19 is the name of disease. ये disease का नाम है COVID-19 और इसका virus क्या है? Virus का जो name है वो है SARS-CoV-2. It means Severe Acute Respiratory Syndrome CoV-2. Actually same virus CoV-1, CoV-2 इसलिए कहा जाता है क्योंकि CoV-1 ऑलरेडी 2003 में चाइना में आ चुका था. तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? स्टार्ट चाइना की एक प्रोविनेंस है, वुहान प्रोविनेंस, वहाँ से शुरू हुआ और होने के बाद ये अभी पूरी ग्लोबल में, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये फैल चुका है. अभी इसे पेंडेमिक डिजीज़ के भी नाम से जाना जाता है बिकॉज ऑफ ये ग्लोबली एक्सप्रेड हो चुका है. ओके, लेट्स स्टार्ट द आगे न्यूज़ जो हम देखते हैं. अगला जो हमारा न्यूज़ है यहाँ पे सार्स के बारे में बताया गया है. एक्चुअली अभी सार्स की मीटिंग हुई थी जो कि विजुअली मीटिंग हुई थी और ये मीटिंग अभी आप इसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि एक इमरजेंसी सार्स इमरजेंसी फंड देना होगा. किसके लिए? COVID-19 के लिए. ठीक है, वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं जो COVID-19 के लिए उन्होंने लिखा है, एक्सटेंड $10 million है ना, एज अ इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसका. अब यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्लेन्स व्हाट इज़ द सार्स. सार्स का जो फुल फॉर्म होता है वो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन है. ये एक तरह से पॉलिटिकल कोऑपरेशन, इंटरनल गवर्नमेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, इसमें जो टोटल मेंबर्स होते हैं, ये याद रखिएगा, टोटल जो मेंबर्स होते हैं इसके जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो होते हैं आठ मेंबर्स होते हैं. आठ कौन कौन से होंगे इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो याद रखिएगा, ये हमारा इंडिया, जो इंडियन नेवर है, मोस्टली इसमें इंडियन नेवर है. ये सपोज हमारे इंडिया का मैप हुआ. ओके, इस साइड पाकिस्तान है, पाकिस्तान इसका मेंबर है, अफगानिस्तान इसका मेंबर है, मालदीव्स इसका मेंबर है, श्रीलंका इसका मेंबर है, बांग्लादेश इसका मेंबर है, नेपाल इसका मेंबर है. अगर हम मेंबर की बात करें तो कितने मेंबर हो गए? आठ मेंबर्स होते हैं. अब आठ कौन कौन से हो जाएंगे तो याद रखिएगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया ऑलरेडी मेंबर हो गया एक, दो हो गया अफगानिस्तान, तीन हो गया पाकिस्तान, फोर्थ हो गया मालदीव, फिफ्थ हो गया आपको श्रीलंका, सिक्स हो गया बांग्लादेश, सेवन्थ हो गया आपको नेपाल, एट हो गया आपका भूटान. ये याद रखिएगा, भूटान जो होता है वो एट्थ मेंबर हो गया. तो ये मेंबर है इसका. इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट कब हुआ था याद रखिएगा, 8 दिसंबर 1955 को शुरू हुआ था एट ढाका में. ढाका बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, वहाँ इसका फर्स्ट इसका फाउंडेशन हुआ था. बट इसका जो हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटेरिएट है वो नेपाल में है, काठमांडू नेपाल में है. ओके, और ये याद रखना कि अभी इसका मीटिंग हुआ था जो विजुअली मीटिंग हुई थी. ओके, लेट्स आगे पढ़ते हैं. अगला जो न्यूज़ है हमारा CGI, यहाँ पे दिया गया CGI बॉबडे जो रूल्स आउट किए हैं, जो कंप्लीट शटडाउन हुआ है कोर्ट्स का. ठीक, तो यहाँ पे न्यूज़ क्या है उसके बारे में आगे एक्सप्लेन करूँगा. बट यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्लेन कि जो CGI मीन्स जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अभी कौन है, शरद अरविंद बोबडे हैं जो 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है. इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले जो थे रंजन गोगोई थे जो 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे. ओके, लेट्स आगे चलते हैं. यहाँ पे दिया गया है NRC के बारे में बताया गया है. तो मैं आपको बता दूं एक्चुअली क्या हुआ, सिटीजनशिप एक्ट जो हमारा था 1955, एक्चुअली उसमें अमेंड किया गया. उसमें जो अमेंडमेंट हुआ तो वो 2019 में अभी होम मिनिस्टर के थ्रू अमेंडमेंट किया गया. इसमें अब ये बवाल क्यों हुआ है? तो उसमें थोड़े चेंजेस आए जो अमेंडमेंट किए गए हैं सिटीजनशिप में. क्या किए गए? पहले जो न्यूट्रलाइजेशन का टाइम होता था वो होता था 12 साल. इट मीन्स 11 साल तो वो कंट्री में रहना है प्लस 1 साल वो ईयर जब वो अप्लाई कर रहा है, तो टोटल 12 साल का होता था. बट अभी क्या कर दिया गया है, अभी 5 साल कर दिया गया, सॉरी 6 ईयर करा गया है, जिसमें 5 साल वो कंट्री में रहना है कंपलसरी प्लस 1 ईयर जो उसका अप्लाई करने से बिफोर द अप्लाई होता था. ठीक, तो अभी क्या हुआ कि NRC इसी बात पे बवाल हुआ. अब NRC क्यों हुआ? क्योंकि एक्चुअली एक असम अकॉर्ड हुआ था किसके बीच में, आसू स्टूडेंट यूनियन थे असम के प्लस हमारे यहाँ के PM उस टाइम पे थे कौन आपको, राजीव गांधी. ओके, राजीव गांधी और असम यूनियन के बीच में एक अकॉर्ड साइन हुआ था 1985 में. उस टाइम में ये कहा गया था कि एक कट ऑफ डेट रखी गई थी. कट ऑफ डेट कब थी? कट ऑफ डेट थी 24 मार्च 1974 से पहले जो लोग असम में हैं या उनके कोई रिलेटिव्स असम में रह चुके हैं
तो वो असम के सिटीजन होंगे, अदर देन वो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ओके बट अभी क्या हुआ चेंजेस, अब अमेंडमेंट एक्ट में क्या चेंजेस कर दिया गया, अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग रह रहे हैं वो असम के सिटीजन होंगे, सॉरी वो सिटीजन होंगे, ठीक है। तो अब असम में इसी बात से प्रोटेस्ट हुआ, तो इसमें पहला फैक्ट तो ये रहा। दूसरे फैक्ट्स की बात करें तो दूसरा फैक्ट जो इसमें आता है वो आता है एनआरसी का। एनआरसी पहली बार, एनआरसी फर्स्ट टाइम 1951 में ऑलरेडी कराया जा चुका था, सेकेंड टाइम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2013 में एनआरसी शुरू हुआ। ओके अब एनआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल रेजिडेंस ऑफ सिटीजनशिप। इसमें क्या होता है कि जो भी कट ऑफ डेट है उनसे पहले, चाहे वो आपका कोई भी कट ऑफ डेट हो, इट मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है अकॉर्डिंग टू असम अकॉर्ड 15 अगस्त 85 इनका डेट रखा गया था, 15 अगस्त 85 तक रखा गया है कि अगर उनसे पहले, जो भी कट ऑफ डेट से पहले जिनके भी रिलेटिव या वो पर्सन खुद अगर वो रह रहा है कट ऑफ डेट से पहले तो वो सिटीजन होगा, अदर देन वो उसे डी वोटेड या डाउटफुल में रखा जाएगा। ओके तो ये एनआरसी के बारे में हो गया। अब आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। आगे का जो न्यूज़ है ऑलरेडी कोविड के बारे में मैंने बता दिया, आगे यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट इज़ कोविड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ कोविड, अगर हम बात करें कोरोना डिजीज़, देखिए कोरोना वायरस डिजीज़ का नाम है, डिजीज़ का नाम है कोविड-19 एंड इट इज़ अ कैरेक्टराइज रहा है माइल्ड सिम्टम के बारे में, ठीक कि ये सिम्टम कैसा होता है, बट याद रखिएगा इसके वायरस का नाम क्या है, वायरस का नाम है SARS-CoV-2। ओके लेट्स आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। जो आगे का न्यूज़ है हमारा, यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है। हाँ यहाँ पे मुझे बताना था एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जाता है किसके थ्रू, नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम के थ्रू होता है, ठीक है। अब इसमें जो 6 इंडेक्स होते हैं, ओके इसके जो इंडेक्स होते हैं वो 6 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक गुड हो गया, सेटिस्फैक्ट्री होता है, मॉडरेट होता है, पुअर होता है, वेरी पुअर होता है एंड सीवियर होता है। अगर आप दिल्ली का देखें तो दिल्ली का क्या है, मॉडरेट है। अब इसमें पॉल्यूटेंट्स हैं, पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, PM2.5 होता है, PM10 होता है, ओके इसमें NO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड SO2 होता है एंड सिलिका होता है, ठीक है ये इसके पॉल्यूटेंट्स होते हैं। आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे एज सच कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है एंड देन आगे चलते हैं अगला कोई न्यूज़, यहाँ पे कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है, नॉर्थ केस में भी कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है, यहाँ पे इस तरह से भी कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है। अभी कोरोना वायरस की वजह से सारी जगह पे अभी शटडाउन किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है सारा इंस्टीट्यूशंस, ऑफिसेज वगैरह बंद किए जा रहे हैं एज पर गवर्नमेंट रूल। हाँ यहाँ पे याद रखिएगा अभी एक बुक लॉन्च की गई है, स्वामी विवेकानंद की बुक अभी लॉन्च की है, उसका जो नाम है, क्योंकि वन डे एग्जाम या UPSC या PCS खास के उसमें पूछा जाता है, तो बुक्स के नाम में याद रखिएगा द मॉन्क हु टुक इंडिया टू द वर्ल्ड, ठीक इस बुक का नाम याद रखिएगा द मॉन्क हु टुक इंडिया टू द वर्ल्ड, स्वामी विवेकानंद के बारे में। इनकी फर्स्ट बायोग्राफी ऑलरेडी आ चुकी है, जो पहली बायोग्राफी 1933 में आई थी, 1933 में ऑलरेडी लाई गई थी। दूसरी ये जो बायोग्राफी अभी उनकी आई है उनका नाम क्या है, द मॉन्क हु टुक इंडिया टू द वर्ल्ड। अब स्वामी विवेकानंद कौन थे, ये श्री रामकृष्ण मत के फाउंडर थे और इन्होंने USA में जब शिकागो में जो वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस मनाया गया था तो उस टाइम में इन्होंने हर जगह पर उस टाइम पर कहा जाता था लेडीज़ एंड जेंटलमैन इस टाइप से कहा जाता था, बट इन्होंने कहा था ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ था। ओके यहाँ पे एक नेशनल पार्क के बारे में बताया गया, नागरहोल नेशनल पार्क, याद रखिएगा नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये कर्नाटका में है, ओके मैसूरू वाला रीजन के पास मिलता है कर्नाटका में, तो नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है, कर्नाटका में है, ठीक। ओके आगे चलते हैं, आगे अगला जो हमारा न्यूज़ है, यहाँ पे ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, यहाँ पे जो भी न्यूज़ है, हाँ यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताना है, यस इसके बारे में कि देखिए दो यहाँ पे दिया गया है CPCB के बारे में। CPCB क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक। अब ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दो एक्ट के तहत, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, दो एक्ट के तहत आता है। एक जो एक्ट होता है वो कौन सा होता है, वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 का, दूसरा इसमें एक्ट होता है एयर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981 का, दो एक्ट आते हैं। तो ये CPCB के अंदर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यही पॉल्यूशन बॉडी जो हमारा नेशनल एयर क्वालिटी को भी मॉनिटर करता है, राइट। इसी के साथ साथ एक और बॉडी होती है, मैं आपके बारे में बता दूं, इसमें एक और बॉडी होती है जिसका नाम है NGT,
ठीक, NGT। देखो ये ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल मतलब क्या है कि यहाँ जस्टिस मिलता है, यहाँ एक कंप्लेंट होती है। ये इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेम से ही लग रहा है ये इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल है। ये भी एक एक्ट की तरफ थ्रू पास किया गया, जिस एक्ट का नाम था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ओके, और ये वर्ल्ड, इंडिया जो है वर्ल्ड का तीसरी ऐसी कंट्री है जिनके पास NGT है। पहली कंट्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरी कंट्री कौन है? न्यूजीलैंड। एंड थर्ड कंट्री इज इंडिया, जिसको जिसमें आपको CPCB या सॉरी NGT जैसा मैकेनिज्म है। ओके ठीक, आगे यहाँ पे याद रखिएगा, ये यहाँ पे एक रिजर्वियर के बारे में लिखा गया, कृष्ण सागर रिजर्वर है, कृष्ण राजा सागर रिजर्वियर है। ये कहाँ, किस कौन से रिवर पे है? तो ये कर्नाटका में कावेरी रिवर पे बना हुआ है, ठीक है ना। मैथ्स द कॉलम में पूछा जा सकता है, तो मे बी आपको ये रिमेम्बर रहना है, क्योंकि न्यूज़ में है तो रिसेंटली न्यूज़ आ सकता है इस टाइप का कोई क्वेश्चन, तो याद रखिए। ये रिमेम्बर दैट कि सबसे ज़्यादा जो COVID-19 कोरोना वायरस का राइज हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है। ओके लेट्स आगे चलते हैं। यहाँ पे सच ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे वहाँ पे डिजीज़ के बारे में, आगे जो था वहाँ पे डिजीज़ के बारे में बताया गया था, यहाँ पे वायरस के बारे में बताया गया है। नोवेल कोरोना वायरस, क्या नाम है उनका? SARS-CoV-2। CoV-2 क्यों? ऑलरेडी पहले CoV-1 आ चुका है 2023 में। ओके एंड देन आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। एडिटोरियल यहाँ पे कोई ऐसा डिस्कस करने वाला नहीं है, बट यहाँ पे जो लीड एडिटोरियल है उसमें बस इतना मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, इस वाले में, इस पूरे एडिटोरियल में बस एक बात कहा गया कि जो हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशन है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ इनिशियल वे में ये सिखाया जाता है कि आपको पीस मेंटेन रखना है, बट आप देखो कहीं ना कहीं हमेशा आप देखो वॉयलेंट दिख रहा है। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ एज अ केस स्टडी कि दिल्ली में अभी वॉयलेंस हुआ और वहाँ एक स्कूल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो नेक्स्ट टाइम जब उसमें स्टूडेंट आएंगे, दैट वॉट वी थिंक, वो क्या सोच रहे होंगे उस टाइम में, वो क्या सोचेंगे, वो अपने टीचर्स से क्या पूछेंगे, टीचर्स उस टाइम पे उसे क्या जवाब देंगे, क्योंकि टीचर्स तो ऑलवेज यही कहेंगे कि आप वॉलेंट नहीं करना है, इस तरह की थिंकिंग। बट ये चीज़ होने के बाद वो ज़रूर ये पूछेंगे आखिर ये करता कौन है, जब हर कोई वॉलेंट नहीं करना है तो करना कौन है। ये बहुत बड़ा डिमेरिट है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। देन अगला जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हाँ यहाँ पे एक न्यूज़ है, लेट्स, ऐसा कोई सच इसमें कोई ऐसा न्यूज़ नहीं था जो मैं आपको समझा सकूँ, बाकी इसे भी नहीं करेंगे, ये भी न्यूज़ कोई ऐसा लीड एडिटोरियल कोई भी खास नहीं था आज का। लेट्स आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है जो डिस्कस करना है। हाँ यहाँ पे दो फैक्ट्स को याद रखना है। पहला फैक्ट्स तो ये है कि एक डैम बन रहा है, जो वर्ल्ड का एक डैम है, जो ये न्यूज़ में है इसलिए से रख पढ़ना ज़रूरी है, ग्रैंड इथोपियन रेसोनेंस डैम, ठीक, गर्ड के बारे में। तो ये डैम कौन सी कंट्री के बीच में आता है? तो याद रखिएगा इजिप्ट, सूडान और इथोपिया। याद रखिए इथोपिया के जो पीएम है, इथोपिया के जो पीएम है अबई अहमद, इन्हें 2019 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, रिमेंबर दैट। ओके लेट्स आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। आगे यहाँ पे एज सच कोई न्यूज़ नहीं है, बस ये लिखा गया है कि JNK विल हैव डोमिसाइल पॉलिसीज़, और ऐसा कुछ नहीं है। अभी JNK से 370 हटाया गया, दैट्स वाई ये न्यूज़ में है, और यहाँ पे सच कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ। हाँ यहाँ पे एक न्यूज़ है, याद रखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कंट्रोलिंग होता है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बॉर्डर एरिया, जो हमारा इंडिया का बॉर्डर एरिया है, ये इंडिया और इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया है, उसको ये मेंटेनेंस करता है, उसको ये देखता है, वहाँ पे रोड बनाता है। जो ज़िला पास का है, तो याद रखिए जो ज़िला पास जो है वो आपको JNK है, JNK के पास मिलता है अपर हिमालयन में, ठीक, जो ज़िला पास। ओके लेट्स आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे आपको बताया गया है NCLAT, याद रखिएगा जो NCLAT है, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, ये एक्चुअली एक ट्रिब्यूनल है जो कि एक लॉ के थ्रू आता है, इसमें NCLT, ओके नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। इसमें जो अपील, यहाँ जो आप किसी भी, सपोज ए कोई कंपनी है उसमें कोई स्टाफ है, ओके या कोई है, यहाँ अगर कोई इसकी कंपनी के बारे में के अगेंस्ट कंप्लेन करता है तो कहाँ जाएगा? NCLT में। अब NCLT में जो अपील करना होता है वो कहाँ? अपीलेट बॉडी में ही जाया जाता है। ओके लेट्स ये समझाना था, लेट्स आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है जो आगे मुझे एक्सप्लेन करना हो, लेट्स स्किप दैट। यहाँ पे भी कोई खास न्यूज़ नहीं है, एंड एजुकेशन केस में भी कोई ये नहीं रहा, एनाटॉमी भी कोई ये खास नहीं। हाँ यहाँ पे एक चीज़ समझाया गया है, ये याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी फॉर पीस, ये क्या है? यूनिवर्सिटी फॉर पीस क्या है? ये UNGC यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, जिस रेजोल्यूशन का नाम था 13/13
111 13/11 ये हुआ था 14 दिसंबर 1979 में, 1969 में इसको एक रेजोल्यूशन पास किया था, उसके थ्रू यूनिवर्सिटी फॉर पीस बनाया गया था। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, रिमेंबर दैट, इसको याद रखना है। लेट्स आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला यहाँ पे हमारा ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, और हाँ यहाँ स्पोर्ट न्यूज़ से फिर से मैं आपको एक याद दिला दे रहा हूँ कि स्पोर्ट न्यूज़ में याद रखिएगा, जो ओलंपिक है 2020 वो कहाँ होने वाला है, वो टोक्यो में होने वाला है, टोक्यो जापान में होने वाला है, जापान की कैपिटल है टोक्यो, वहाँ होने वाला है, बट मे बी कोरोना वायरस की वजह से ये पोस्टपोन किया जा सकता है। ऐसा यहाँ पे कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है। आगे चलते हैं, जो हमारा फर्स्ट न्यूज़ था, मैं वहाँ पे बस एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करना था मुझे। ओके लेट्स या यहाँ पे सार्स के, इस तरह से सार्स जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ऐसी हमारी और भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया मेंबर है। अब बात करें तो एक तो सार्स हो गया जिसका इंडिया मेंबर, एक और होता है SCO। SCO क्या होता है, ये यूरेशियल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी 8 मेंबर होते हैं, सार्क की तरह इसमें भी 8 मेंबर होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ठीक। तो सार्क का भी जो 2020 में सबमिट होने वाला है, रिमेंबर दैट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2020 में जो सबमिट होने वाला है वो रशिया में होने वाला है, रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाला, और इसका जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा वो इंडिया होगा, याद रखिए। 2020 का SCO का जो सबमिट होगा वो रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में होगा, और उसके साथ साथ इसका जो हेड गवर्नमेंटल होगा कौन होगा, वो इंडिया होगा। इसी तरह से एक और ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको हम कहते हैं ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें टोटल 5 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, ब्राज़ील, ब्रिक्स का मीन ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स, ठीक। ये 2009 में फाउंड किया गया था, इसमें बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, और 2010 में फिर साउथ अफ्रीका को इसमें ऐड किया गया, ठीक। ये एक बैंक को मेंटेन करता है, जो बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसी तरह से इंडिया एक और ऑर्गेनाइजेशन को भी कंसीडर करता है, G20। ये G20 जो है ये आपको एक, इसमें 20 देशों का मेंबरशिप होता है। अब 20 देशों में कौन कौन है, अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो यहाँ पे देखिए कनाडा, USA, नीचे आए तो अर्जेंटीना एंड आपको मैक्सिको होगा, ठीक। ये तो हो गया आपको अमेरिका वाला पार्ट हो गया। अब यूरोप का पार्ट करें तो यूरोप में कौन कौन होगा, तो यूरोप में आपको याद रखिएगा फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक, इटली होता है, जर्मनी होता है, फ्रांस होता है, यूके होता है, यूरोपियन यूनियन होता है, राइट। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका ही एक कंट्री है जो कि G20 का मेंबर है। एशिया की बात करें तो एशिया में आपको कौन कौन सा मेंबर मिल जाएगा, तो एशिया में इंडिया होगा, रशिया होगा, जापान होगा, टर्की होगा, इंडोनेशिया होगा, साउथ कोरिया होगा। तो ये जितने डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो G20 का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और G20 का जो सबमिट होने वाला है 2020 में, तो रिमेंबर दैट ये रियाद सऊदी अरबिया में सबमिट होने वाला है, बिकॉज सऊदी अरबिया भी इसका मेंबर है। तो टोटल 20 मेंबर्स हो गए, कौन कौन से हो गए, तो आपका पहले हो गया कनाडा, USA, ठीक, ये दो तो हो गए ऊपर के, नीचे में अर्जेंटीना एंड मैक्सिको, 4 तो इधर हो गए, पाँचवा कौन हो जाएगा, UK, जर्मनी, फ्रांस, यूरोप यूनियन, ठीक। अब एशिया की बात करें तो एशिया में कौन होगा, इंडोनेशिया, इंडिया, साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरबिया, ठीक, एंड टर्की, जापान। तो ये आपको सारी कंट्रीज़ जो होंगी ये आपको मिल जाएंगी G20 के मेंबर्स। ओके, तो लेट्स थैंक यू फॉर टुडे एंड लेट्स, हाँ एक इसी न्यूज़ में याद रखिएगा कि इस न्यूज़ में मैंने वो स्किप कर दिया है, वो मैं बताना था कि विंग्स 20, ये एयरफोर्स की होती है, विंग्स इंडिया जो हो रहा है, विंग्स इंडिया एक एयरफोर्स का एक सेलिब्रेशन है, फेस्टिवल टाइप सेलिब्रेशन होता है, जो विंग्स 20 होने वाला है वो होने वाला है, हैदराबाद में हो रहा है, तो रिमेंबर दैट वो भी हैदराबाद में हो रहा है। ओके लेट्स थैंक यू फॉर डे एंड थैंक्स, हैव अ नाइस डे, कीप लविंग एस, कीप शेयरिंग एस एंड कीप सब्सक्राइबर्स, थैंक यू।